लेबर पार्टी की स्थापना बाबा साहब द्वारा स्थापित किए गए इस लेबर पार्टी में मजदूरों के लिए आवाज उठाई थी। तो क्या थी ये नीति, इसमें किन किन लोगों ने शामिल किया था? स्वतंत्रता का रहस्य साहस और साहस व्यक्तियों द्वारा एक दल में जुड़ जाने से पैदा होता है। 1936 में बाबा साहब ने आजाद मजदूर पार्टी का गठन किया। इस पार्टी के तहत बाबा साहब ने मुंबई प्रदेश विधानसभा के चुनावों में 17 उम्मीदवार खड़े किए, इनमें से 13 जीते। इस प्रकार उन्होंने कांग्रेस को करारा झटका दिया। उन्होंने इस पार्टी के तहत दलित वर्गों के साथ साथ किसान व मजदूर वर्गों का भी पूरा पूरा ख्याल रखा। बेगार और भूमि दस्ता पर बाबा साहब ने तीव्र हमले किए। किसानों की मांगे मनवाने व भूमि सुधार के लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने जमकर संघर्ष किया। बाबा साहब ने मुंबई विधानसभा में अपना विचार रखा कि मुंजारों को जिन जमीनों पर वह खेती करते हैं मालिकाना अधिकार दिया जाना चाहिए। बाबा साहब ने किसान और मजदूरों के लिए शक्तिशाली नेता बनकर उभरे। उन्होंने मजदूरों का आह्वान किया कि वह बिना किसी जातीय भेद के एक संगठन बनाए। उन्होंने मजदूर वर्ग के दो शत्रु बनाए, ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद। उन्होंने विधानसभा को इन तथ्यों से अवगत कराया कि छूत वर्ग के मजदूरों को बुनाई विभाग में नहीं लिया जाता। रेलवे में भी वह केवल गैंगमैन ही थे। उन्होंने इस भेदभाव वाली व्यवस्था के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई। उन्होंने हड़ताल विरोधी बिल का विरोध करते हुए कहा कि यदि स्वतंत्रता का अधिकार एक देवी अधिकार है तो हड़ताल का अधिकार भी एक पवित्र अधिकार है। हड़ताल को दंडित करना मजदूरों को गुलामी की अवस्था में खेलना है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।